सभी रिश्ते व्यक्ति के जन्म के साथ ही बनते हैं। जिस घर परिवार में हमारा जन्म हुआ है, वहां से संबंधित सभी लोगों से हमारा रिश्ता अपने आप ही जुड़ जाता है। इन रिश्तों को तोड़ना या जोड़ना व्यक्ति के हाथों में नहीं रहता है, ये रिश्ते हमेशा ही बने रहते हैं। आपको बता दें, इन रिश्तों के अतिरिक्त एक रिश्ता है जो हम अपने व्यवहार से बनाते हैं, वह है मित्रता का रिश्ता। मित्रता ही एकमात्र ऐसा रिश्ता है जो हम खुद जोड़ते हैं। मित्र हम स्वयं चुनते हैं। सच्चे मित्र ही हमें सभी परेशानियों से बचा लेते हैं और कठिन समय में हमारी मदद करते हैं। हमें कैसे मित्र चुनना चाहिए, इस संबंध में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिस व्यक्ति में अपने परिवार का पालन पोषण करने की योग्यता ना हो, जो व्यक्ति अपनी गलती होने पर भी किसी से ना डरता हो, जो व्यक्ति शर्म नहीं करता हो, लज्जावान ना हो, अन्य लोगों के लिए जिसमें उदारता का भाव ना हो, जो इंसान त्यागशील नहीं है, वो मित्रता के योग नहीं कहे जा सकते। आपको बता दें, चाणक्य के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण सिर्फ आलस्य और झूठे अभिमान की वजह से नहीं करते हैं, हमेशा जो व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करते हैं, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। इसके अलावा जो लोग अपनी गलती होने पर भी किसी से नहीं डरते हैं, विद्वान और वृजन का आदर सम्मान नहीं करते हैं, उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों में लज्जा का गुण ना हो, जो किसी भी गलत कार्य को करने में संकोच ना करें, जो लज्जाहीन हो, उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों में अन्य लोगों के लिए उदारता का गुण ना हो, वो भी मित्रता योग नहीं होते हैं। दूसरों के दुख पर उपहास करना, किसी की मदद ना करने वालों से मित्रता ना करें। इसके अलावा जो लोग त्याग की भावना नहीं रखते हों, उनसे भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।